जार्विस प्लीज बंद हो जाओ। मारेंगे इधर लाइक करो फटाफट। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं शेयर करूंगा बट कभी भी ऐसा मौका मिला ही नहीं। और अंदर से मतलब ऐसा सोच रहा था कि शेयर करूं या ना करूं, लेकिन फाइनली आज एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसको मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ। शायद आप भी रिलेट कर पाओगे इस चीज के साथ में और आपके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहले तो वो चीज शेयर कर लेते हैं, उसके बाद निकल के जाएंगे। आज का वीडियो जो ना गाइस काफी तबाही वाला होने वाला है, क्रेजी क्रेजी वीडियो होने वाला है गाइस। 2-3 महीने से काफी रिसर्च वगैरह कर रहे थे और डॉक्टर वगैरह को विजिट करना, कंसल्ट करना, हेयर एनालिसिस वगैरह करना, ये सब मेरा बहुत खर्चा है। और वो सब खर्चा से बचने के लिए हम भी उसका भी उपाय ढूंढ रहे थे। तो हाल ही में 1-1.5 महीना 2 महीना पहले मैं एक ऐप के बारे में पता चला, उसके ऐप का नाम है क्योर स्किन ऐप। और ये जो प्रॉब्लम है ना बॉल्डनेस का, ये साइड के कोहनी वोनी जो निकल रहा है ना, इसके अलावा और एक प्रॉब्लम था कि हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था मेरा। 3-4 महीने में इतना ही ग्रो होता था बाल, अभी जो है ना अभी काफी लंबा हो चुका है। लेट मी शो यू, बाल देखो यहाँ तक पहुंच चुका है। और जो हेयर फॉल का इशू है ना उसमें भी धीरे धीरे करके पॉजिटिव चेंज आ रहा है। सो क्योर स्किन जो ऐप है ना गाइस, इसको इंस्टॉल करने के बाद जो प्रोसेस है काफी सिंपल है। आप अपने मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लो। वंस यू सिलेक्ट द हेयर ऑप्शन, तब आपका यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज आता है एआई का, क्वेश्चन एंड आंसर कुछ सेशन होता है। जितना भी क्वेश्चन है ना उनका आंसर प्रॉपरली आपको देना है। साथ ही साथ में आपका हेयर एनालिसिस भी होगा, कैमरा वगैरह निकल करके आपको फ्रंट फेसिंग और पीछे से ऊपर से हर तरफ से एंगल से आपको फोटो वगैरह जो है सेंड करना पड़ेगा। वंस यू सबमिट ऑल दिस थिंग्स, 1-1.5-2 मिनट का टाइम लगेगा। उसी बीच डॉक्टर जो है स्टडी करेंगे केस को, जो भी रेजिमेंट आपको मिलने वाला है उस रेजिमेंट को वो आपके लिए निर्धारित करेंगे, निश्चित करेंगे, फिर आप अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो। मुझे जो डॉक्टर से रेजिमेंट मिला था ना गाइस, ये सारा ठीक हमारे सामने यहाँ पर है, इसके बारे में बताते हैं थोड़ी देर में। पर्सनल डॉक्टर आपके लिए होता है, कभी भी दिन में कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप फटाफट जाके डॉक्टर से पूछ सकते हो। और उसी के साथ में एक और एक चीज है बहुत बढ़िया है इस ऐप में, वो है कि फॉलो अप, यानी कि जो भी रेजिमेंट आपको मिला है ना, अगर वो चीज आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है के ऊपर में भी एक फॉलो अप होता है। डॉक्टर की तरफ से शेड्यूल होता है फॉलो अप। और जो भी हमारी तरह इस बालों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर ऑल्सो टू दोस पीपल बोथ मैन एंड वुमेन, अगर आपको स्किन केयर के रिलेटेड भी चाहिए तो उसमें भी आपको डॉक्टर वगैरह सारा रेजिमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको डाइट प्लान भी मिलने वाला है इस ऐप पे। तो प्रोडक्ट जो है गाइस ये रहा मिनी टॉप का, इसको रात को सोने से पहले 5 ड्रॉप्स मुझे लगाना पड़ता है, फिर उसी को मसाज करता हूँ थोड़ी देर और ओवरनाइट उसको बालों में लगा करके सो जाता हूँ। तो दूसरा प्रोडक्ट है गाइस वो है आपका ये वाला हेयर शैम्पू प्योर स्किन का, इसको हफ्ते में 2 बार यूज करना पड़ता है। सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है ऐप के अंदर में आपको मिल जाएगा किस तरह से कितना टाइम करना पड़ता है शैम्पू वगैरह। और साथ ही साथ ये रहा हेयर कंडीशनर, इसको भी हफ्ते में 2 बार यूज करना पड़ता है। और साथ में ये टेबलेट, हर रात सोने से पहले खाने के बाद 1 पीस रोज। ये तो रहा हमारा रेजिमेंट, आपका रेजिमेंट अलग भी हो सकता है। सो फॉर दोस हु आर सफरिंग लाइक मी पिछले कुछ सालों से, दिस ऐप माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप iOS एज वेल एज एंड्रॉइड के लिए भी आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। तो साथ ही साथ में एक कूपन कोड भी हमने जनरेट कर दिया है जिसको यूज करने से आपको 100 रुपीज ऑफ भी मिलने वाला है। तो फिलहाल गाइस हम लोग आ चुके हैं जू रोड में और फिलहाल हम लोग ये वाले शॉप में हैं, नट्स एंड बोल्ट्स। और यहाँ पे हमारे रॉकी भाई का, जो आपने सिनेमेटिक बीरोल वगैरह देखा थोड़ी देर पहले, तो भाई हमारे यहाँ पर आए हैं थोड़ा बहुत बाइक में काम करवाना है, क्योंकि भाई निकल रहे हैं ऑल इंडिया राइड के लिए। कल से भाई का राइड चालू हो जाएगा, यहाँ से कन्याकुमारी, वहाँ से कश्मीर और फिर वापसी गुवाहाटी होते हुए त्रिपुरा। तो गाइस जैसे बोल रहे थे, हमारे साथ में इधर में है हमारे रॉकी भैया। वंस अगेन वेलकम टू गुवाहाटी और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको। इंडिया राइड कर रहे हो आप, द बिंगो राइड। तो थोड़ा राइड के बारे में बता दीजिए, मतलब कैसे कैसे राइड होने वाला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा से निकल चुका, त्रिपुरा से अभी फिलहाल गुवाहाटी पहुंच चुका। मेरा जो पूरा राइड का प्लान है बिंगो राइड, बेसिकली क्या है कि त्रिपुरा से अगर आप इंडियन मैप खोलोगे, इंडियन मैप में आपको दिखेगा त्रिपुरा इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप कन्याकुमारी कनेक्ट करोगे, त्रिपुरा टू कन्याकुमारी एक डॉट आएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर एक और डॉट आएगा, कश्मीर से त्रिपुरा अगर कनेक्ट करोगे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो वो ट्राइंगल की वजह से मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग कर दे, तो द बिंगो राइड नाम दिया इस पूरे सीरीज का। तो अभी जो ये राइड होने वाला है, मतलब कुछ स्पॉन्सर है तो बता हम लोग को। एक किडनी गिरवी रखा तो उसके बाद भाई का बहुत ह्यूज इनकम है यूट्यूब में, कहा जा रहा है भाई बहुत ही बढ़िया इनकम करते हैं आजकल। कोई कंटेंट जो है ना, अगर आप अच्छा कंटेंट डालोगे आजकल कोई कंटेंट देखते नहीं, सब लोग देखते हैं माँ बीवी का झगड़ा। ये तो पहले से ही है क्योंकि हम लोगों के, हम लोग इंडियन वालों के खूनों
घरों में नाटक ड्रामा और मिर्च मसाला है, इसलिए तो डेली सोप वाला सीरियल चलता है ना घर में। वही सीरियल हम लोग अगर ब्लॉग में डाल सकते, सोचो कितना फायदा है। वो हमसे नहीं हो पाएगा। ये वाला रेड के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया सीरेक्स का। एंड सीरेक्स को मैं बहुत सालों से जानता हूं। सीरेक्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस जगह पे आए हैं। जितना जल्दी हो सके प्लीज 2 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो, कर दो सीरेक्स। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं गणेश गुड़ी। बाइक वगैरह सारा कुछ आके यहाँ पे पार्किंग में रख दिया है और अभी जाते हैं दुकान के अंदर की जो धासु चीज आप लोगों ने देखा था कुछ दिन पहले हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में और बहुत सारे भाई लोगों ने प्यार भी दिया है। तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में जो रील हमने अपलोड किया था कुछ दिन पहले लगभग अब तक 150,000 के ऊपर व्यूज आ चुका है उसमें। तो थैंक यू सो मच गाइस, जो भी भाई लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करते फटाफट जाकर फॉलो कर लो। और जो आयरन मैन के हेलमेट के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेरीज आ चुका है, मतलब ऑलरेडी डीएम कर चुके बहुत सारे भाई लोग, वीडियो करके आप लोगों को पूरा डिटेल्स देने वाला हूं। तो फटाफट जाके अनबॉक्स करते हेलमेट को और आपको दिखाते हैं। सो गाइस शॉप के अंदर मैं आ चुकी, देख सकते हो आप बहुत सारा हेलमेट इधर उधर ऑलरेडी है। एक्सोर का ये क्या भाई, अच्छा ये रहा स्टड का हेलमेट, एक्सोर का हेलमेट, साथ ही साथ में इधर में थोड़ा फीमेल और बच्चों का हेलमेट भी है। और यहाँ पर मैं यू कैन सी SMK का हेलमेट, ये वाला ऑफ रोड हेलमेट, ये भी आ चुका है अभी फिलहाल ये वाले शॉप में मोटोक्रेज में। तो अभी हम जा रहे हैं इस तरफ, तो दिल थाम के बैठी है, मतलब पहले इसको फाड़ फूड के अनबॉक्स तो हो चुका है लेकिन फिर भी आपके लिए करना पड़ेगा। हियर इज द आयरन मैन, आयरन मैन का बॉक्स, और इसको चारों तरफ से देख लेते हैं। पहले बॉक्स के ऊपर में ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1:1 हेलमेट मार्क 5। ये रहा इसका मॉडल मार्क 5, लोगो डिजाइन भी आयरन मैन के हेलमेट का कंप्लीट डिजाइन जो है यहाँ पे सामने में बनाया हुआ है। इस साइड में तो पूरा ब्लैंक है, पीछे के तरफ भी सेम लोगो है जो कि उस तरफ में मिला आपको। ब्रांडिंग है ऑटो किंग का, यानी कि ऑटो किंग का ये प्रोडक्ट है। नीचे में क्या है भाई, नीचे तो पूरा एकदम मोहल्ला खाली है। तो फटाफट इसको भी खोलते हैं भाई, इधर में आईना है हमारा, अनबॉक्सिंग कर देंगे क्या नीचे। ये थोड़ी देर पहले उसका अनबॉक्सिंग देख ही चुके हो आप नंगा बुंगा बाथरूम के अंदर, तो अभी इसको खोल खाल देते हैं एकदम। तो ये है अंदर में उसका सामान, मेन सामान जो है ना गाइस इसके अंदर में है। सो गाइस बक्से से हेलमेट निकल चुका है और ये रहा हेलमेट का पैकिंग, अंदर में भी काफी सुपर वाला पैकिंग है, मतलब स्पॉन्ज सारा कुछ है। ये रहा कुछ लिफाफा ऑटो किंग आयरन मैन फलाना ढिमकाना क्या क्या लिखा हुआ है, और अंदर में चिंग चोंग जिंग, मतलब वही मतलब समझा कीजिए कहा का प्रोडक्ट है पता ही है आपको, चिंग चोंग जिंग इसलिए लिखा हुआ है। ये भाई खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। सो गाइस ये रहा हमारा आयरन मैन का हेलमेट, देख सकते हो आप निकल चुका है, अनबॉक्स हो चुका है। अभी इसको यहाँ से निकालते हैं, आजा भाई आजा। गाइस वाओ चेक दिस आउट, ऊपर में है क्रोम फिनिश, इस वजह से हमारा भी वहाँ पे दृश्य आ रहा है। ये रहा फोन हमारा और ये पिंक में हम और ये रहा आयरन मैन। वाओ फाइनली पहन चुके हैं आयरन मैन का हेलमेट। पता नहीं साउंड ऑडियो आ रहा होगा कि नहीं आईफोन में, बट चेकआउट कीजिए साइड से, फ्रंट से और इस साइड से और पीछे से, चारों तरफ में एकदम बढ़िया सा फिटिंग है। अगर आपका सर थोड़ा बड़ा है ना तो फिर पीछे का पार्ट खोल के भी आप पहन सकते हो। तो इसके साथ में एक रिमोट आता है छोटा सा, ये रहा रिमोट से हम लोग इसको ढक्कन खोल सकते हैं लगा सकते हैं, और जो आँख है ना आँखों में लाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट मी शो यू, अभी देखिए गाइस यहाँ पे व्हाइट लाइट जल रहा है और इसको बंद करके अगर हम लोग इसमें दूसरा लाइट चाहिए तो रेड भी जले। ओपन जार्विस बोलते हैं ना, हेलमेट खुल जाता है बंद हो जाता है, वो वाला ऑडियो सिस्टम के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 लाख खर्चा करना पड़ेगा। फिर पुलिस के पास जाते हैं देखते क्या होता है। फुल एंजॉयमेंट हो रहा है इसमें हम लोग का, पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं। बोलो हमें पूरा धमाका रिएक्शन ले, ए, हम तो भूल ही गया था हिंदी चैनल है, लेट्स गो। क्या धासुर लग रहा है भाई, एकदम पूरा सेक्सी लग रहा है। और यहाँ पे जितने भी भाई लोग खतरनाक वाला रिएक्शन दे रहे हैं। बंद हो जा भाई एक सेकंड के लिए। ओ कैसा लगा गाइस, उतारते और बाकी सारा डिटेल्स बोलते हैं। बहुत सारे भाई लोग भी देख रहे हैं हेलमेट को चारों तरफ। इधर में भाई क्या नाम है बता दो एक बार। सूरज राय। क्या रहा सूरज राय, हेलमेट कैसा लगा? मस्त लगा ना।
मारेंगे इधर, लाइक करो फटाफट। ओके सो गाइस, अभी हेलमेट के बारे में आपको बताते हैं। हमने जो इसमें वॉइस कमांड डाला था गाइस, वॉइस कमांड से ये नहीं चलता है। इसके लिए हम लोग को चाहिए होगा एक रिमोट हुआ। ये रहा इसका रिमोट, को अगर हम यहाँ से दबाएंगे ना, देखिए लाल लाइट जल रहा है, इससे हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। नीचे वाला जो स्विच है गाइस, यहाँ से दबाने से जो लाइट है, इसमें दो लाइट आपने देखा, एक ब्लू और एक रेड, तो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब ये वाला स्विच दबाने से कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है लाइट। ये दोनों स्विच है ना, एक से रेड लाइट जलता है और दूसरे से व्हाइट लाइट जलता है। तो ये सब फंक्शन के लिए ये वाला रिमोट, मतलब ऐसे पॉकेट वॉकेट में रखे, फिर दोस्त को देकर भी आप इसको यूज कर सकते हो। रेस्ट अगर सोच रहे हो कि आप बिना रिमोट के अगर काम करता तो बहुत बढ़िया था, बिना रिमोट के भी काम करता है गाइस, जो कि है ये दोनों साइड में देखिए, यहाँ पे कान में गोल वाला पार्ट जो है और इस तरफ में जो गोल वाला पार्ट है, दोनों को हम लोग टच कर देंगे ना। जैसे थोड़ी देर पहले दोस्त को पहनाए थे ना, तब आपने नोटिस किया होगा शायद से, हाथ से उन्होंने दोनों तरफ में प्रेस कर दिया था। प्रेस भी नहीं, टच करना पड़ता है, टच का सेंसर है। एक बार दबाने से ये ओपन भी हो जाता है, फिर और एक बार दबाने से ऊपर से नीचे तक एक क्लोज भी हो जाता है। सो कम्प्लीट इसका सेटअप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। भैया हेलमेट कैसा लगा? बढ़िया ना। तो अभी ये जो हेलमेट है गाइस, इसके अंदर में लेट मी शो यू। देखिए गाइस, अंदर में पूरा सर्किट बोर्ड है और यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुशन भी है। तो अगर आप सोच रहे हो ना इसको पहन के आप बाइक चलाओ, उसके लिए आपको मोड करना पड़ेगा, यानी कि नीचे से आपको फीता वीता सिस्टम का कुछ आपको खुद से बना करके लगाना पड़ेगा। ये बाइक के लिए नहीं बनाया, मतलब ऐसे पहन के रस्तों में चलने के लिए, थोड़ा शॉर्ट रील्स वगैरह शूट करने के लिए बनाई है। और इसमें सेफ्टी का रिगार्डिंग कुछ नहीं है, तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा सेफ्टी के रिगार्डिंग। अंदर में कुशन वुशन आपको खुद से डालना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही देखिए अंदर में पूरा होलो है और अंदर में देखिए इतना बड़ा सा सर्किट बोर्ड है। और अगर आप पूछोगे कि इसमें से जो छोटा सा आंखों में छेंदा है, इधर से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो मैं जब पहन के इसको चल रहा था तो बड़े आराम से मैं फुटपाथ में चल रहा था और रस्तों में चल रहा था, क्योंकि यहाँ से आराम से दिखता है। लेकिन अगर इसमें दिन के टाइम में लाइट जलता हुआ है दिखता है, लेकिन रात के टाइम में लाइट जब जलता है ना तब नहीं दिखता है, और रात में ये देखने में ज्यादा खतरनाक लगता है। क्या हुआ भैया, ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? माल खरीदेगा, ये माल अच्छा है लेकिन माल अच्छा है लेकिन इससे मतलब बाल भी नहीं बचेगा रात में एक्सीडेंट होगा तो। इसको मतलब ऐसे फैंसी के लिए अच्छा है, बट सेफ्टी के रिगार्डिंग नॉट रिकमेंडेड। बाकी ऐसे टशनबाजी दोस्तों के बीच में दिग्गजबाजी आप कर सकते हो ये वाला हेलमेट के साथ। बस हमारा अभी वो हेलमेट का पीछे में थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन चल रहा है, भाई हमारे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ऐसे बक रहा हूँ। तो गाइस इसका प्राइस वगैरह जो भी है, फैसिलिटीज तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। रेस गाइस, अभी अगर ये हेलमेट आपको चाहिए होगा ना, तो पता ही है हम गणेशगुड़ी में कौन से लोकेशन में आ चुके हैं। ये रहा मोटोक्रेस गुवाहाटी, मोटोक्रेस कस्टम्स, आप यहाँ पर आकर के हेलमेट ले सकते हो। मतलब प्राइस वगैरह आपको जानना अगर है तो मोटोक्रेस के इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे आकर भी आप अपना सामान ले सकते हो। इनकेस आप गुवाहाटी के आसपास कहीं पे रहते हो ना, तो फटाफट आके पूछ सकते हो। एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा, वहाँ पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो हेलमेट के बारे में, प्राइस वगैरह। मुन्ना भाई तेरा नंबर डाल देगा, ठीक है? मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं।